नमस्कार दोस्तों, आज हम गोल पायदान बनाने जा रहे हैं। तो गोल पायदान बनाने के लिए हमने गोल मार्क करने के लिए कोई भी ले लेंगे गोल आकार चीज, या गत्ते से भी आप गोल आकार काट सकते हो। तो मैंने एक बाल्टी की लीड ली है और उससे मैंने गोल आकार काटा है। अब वो जो हमने गोल कपड़ा काट लिया है उसको रख के हम दूसरा घेरा काट लेंगे, और वो इस प्रकार रख के हमने काट लिया है। तो इसको भी हमने गोल कर दिया है। अब जो हमने छोटी छोटी कतरन हमारे पास है, नई या पुरानी कैसी भी, वो हम इसके अंदर जमा देंगे। और इसको ऊपर से इसको ऊपर से रख के दूसरे वाले पल्ले को और सिलाई कर देंगे। हमने किनारे पे हाथ से सिलाई करी है, बीच में हमने मशीन चला दी है, और इस प्रकार हमने सारे को जोड़ दिया है। और इस प्रकार ये दिख रहा है, ये जोड़ दिया हमने। अब हम तिकोने टुकड़े लेंगे, जो कि इस प्रकार हम मार्क ले लेंगे किसी भी चीज का। आप गत्ते का मार्क भी ले सकते हो, मैंने कपड़े का मार्क लिया है 3 ये तिकोने का, और हम इस प्रकार तिकोने काट लेंगे। आप कलरफुल भी ले सकते हो, मैंने 2 रंग के लिए हैं कपड़े, तो 2 रंग के मैंने सिलाई तिकोने काट लूंगी इनके 2 रंग के कपड़ों को। और रंग बिरंगे हैं तो आप रंग बिरंगे भी काट सकते हो, और जो कि इस प्रकार कटेंगे। आप छोटा बड़ा भी काट सकते हो, छोटे बड़ा पायदान बनाना है तो बड़े काट तिकोने काट लीजिए, छोटे बनाना है तो छोटे काट लीजिए। मैंने मीडियम साइज के बनाया है जो कि इस प्रकार है। अब जितने भी तिकोने हमने काटे हैं उन सबको हम इस प्रकार टच करते हुए सिलाई कर देंगे। एक अलग कलर का इस प्रकार हम सिलाई कर देंगे और ये गोल घेरा बन जाएगा। तो ये हमने सिलाई कर दिया है। और इसके बराबर का हम कोई वेस्ट कपड़ा लेंगे और उसके बराबर में काट लेंगे। अब हमने इसको काट लिया है। अब हम इसको और बीच में एक फ्रिल लगाने के लिए हमने कोई लेस ली है, तो आप कोई भी लेस ले सकते हो, चुन्नी की या सूट की, कैसी भी लेस। तो ये लेस बीच में रख के, दोनों पल्लों के बीच में रख के हम लेस फ्रिल लगाते हुए इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमने दोनों कपड़े के बीच हमने लेस को इंसर्ट कर दिया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार है। तो ये हमने सिल दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। एक तरफ से हमने ओपन छोड़ा है थोड़ा सा, वहां से हम सीधा कर लेंगे। और उसमें से हमने जो ये छोटी-छोटी कतरन लेकर हमने सिला था उसको डाल देंगे। लेकिन इससे पहले हम इसकी एक टॉप सिलाई कर लेंगे। अब हम इसकी टॉप सिलाई करने जा रहे हैं, जो कि इसके लगने के बाद ये थोड़ा सही और पक्का हो जाएगा। और ये हम 4 गोलाकार में हम इसकी टॉप सिलाई कर देंगे। ये हमने टॉप सिलाई कर दी है इसकी। अब जो हमने ओपन छोड़ा था उसमें से हम छोटी कतरन से जो बनाया था घेरा, हम वो डाल देंगे और बंद कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा पायदान बनकर तैयार हो गया है। ये पायदान हम छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, और लेस भी हम किसी भी चीज की उतार के इसमें लेस लगा सकते हैं, जो कि सुंदर लगती है। ये हमारा पायदान हम फर्श पे रख के देखते हैं। ये देखो, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये कैसा लगा आपको, कैसी लगी वीडियो आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।